मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम बैक टू रुमाना एक्सपर्ट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दस्तरखान पे अपने यखनी पुलाव। आज हम इफ्तारी में बनाने वाले हैं यखनी पुलाव, क्योंकि हम लोग ने भजिया और वड़ा और बहुत सारी चीज़ें जो है रेसिपी सब खा के सब बहुत बोर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बच जा रही है। तो आज हम लोग ने सोचा कि आज हम लोग करते हैं कुछ नया दस्तरखान पे। आज हम बनाते हैं यखनी पुलाव और फ्रूट्स रहेगा और थोड़ी मैंने आलू की भजिया बनाएंगे हम लोग बच्चों के लिए, और फिर कभी ऐसी किसी दिन बाहर चले जाएंगे इफ्तार के लिए एरोप्लेन एरोप्लेन की आवाज़ आई होगी आप लोगों को। और तो इसीलिए बस हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि आज हम लोग बनाते हैं यखनी पुलाव। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मेरे तरीके से कैसे बनाते हैं। तो चलिए किचन में दिखाती हूँ मैं कि यखनी पुलाव की रेसिपी मेरे तरीके से, आप बना के देखिए और खाइएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, बहुत ही टेस्टी यखनी पुलाव बन के तैयार होता है। और फिर मिलते हैं हम इफ्तार के टाइम पे, खाने के टाइम पे। सबसे पहले हमें ले लेने कुछ मसाले। 2 चम्मच मैंने लिया था सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 3 तेजपत्ते, 3 दालचीनी की लकड़ी, 5 छोटी इलायची, 6 लौंग, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च, 1 बादियान का फूल लिया था मैंने। और इन सारे मसालों को हमें डाल देना है कुकर के अंदर। कुकर में मैंने 1 kg मटन लिया था, ये बोन के साथ लिया है मैंने, और इसमें ही हमें जो सूखे मसाले ना वो ऐड कर देना है। और उसके बाद मैंने 1 प्याज लिया था, मीडियम साइज की प्याज है वो, और उसे मैंने 4 टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया था। और ये उसमें उसके बाद हमें डालना है 2 लहसुन। लहसुन डालने के बाद इसमें हमें ऐड कर देना है नमक 1.5 चम्मच, क्योंकि मटन ज़्यादा है तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला था। और फिर हम मसाले में भी नमक ऐड करेंगे जब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो इसमें फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था ना 4 ग्लास पानी। आपको उतना ही पानी इसमें ऐड करना है जितना आपको चावल लेना है। अगर आपका चावल 1 kg है तो आपको ज़्यादा पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमें प्लेन वाटर यूज़ नहीं करना है, हमें जो यखनी का स्टॉक है ना उसी में चावल बनाना है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से पानी ऐड करिएगा। मैंने 3 सीटियाँ ली थी और यहाँ पे जो मटन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया था, तो पीसेस को मैंने अलग कर लिया था और यखनी को मैंने छन्नी से छान के अलग रख लिया था, क्योंकि इसका यूज़ हमें आगे करना है। फिर मैंने 1 पतीली ली थी, उसमें मैंने डाल दिया था 2 कप तेल और इसमें लौंग इलायची और दालचीनी की लकड़ी, ये मैंने डाल दिया था। और 2 प्याज लिया था मैंने, छोटी प्याज मीडियम साइज की, और उसे मैंने तेल में डाल के इसे अच्छी तरीके से ना ब्राउन कर लिया। इसे जब अच्छी तरीके से हम ब्राउन करेंगे और जब ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़्यादा सा पेस्ट आपको ऐड करना है इसमें, क्योंकि मटन ज़्यादा है, तो मैंने 4 चम्मच लिया था, आप भी उतना ही ऐड करिएगा। और फिर इसे अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी एक स्मेल आने लगे, तो फिर उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है जो हमने ये टमाटर, 1 टमाटर लिया है, इसमें दही नहीं डालना है, 1 टमाटर मैंने ले लिया था, उसे इस तरीके से चॉप करके हमें डाल देना है। टमाटर जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसमें हम फिर 1 चम्मच नमक और ऐड करेंगे, ज़्यादा नमक हमें ऐड नहीं करना है। हमने यखनी में भी नमक डाला था, तो जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च ली थी मैंने 6 से 7, आपको और ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। और हरी मिर्च को ना इस तरीके से दरदरा मोटा पीस लेना है और आपको ये डाल देना है, इसे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और जो अगर आप बारीक पीस के डालेंगे तो फिर वो चावल पे थोड़ा ग्रीन कलर आ जाएगा, तो आप इस तरीके से क्रश करके डालिए। और 2 चम्मच मैंने लिया था गरम मसाला पाउडर, ये भी इसमें डालना है। 1 मुट्ठी भर के पुदीना लिया था मैंने, पुदीने की पत्ती, और 1 मुट्ठी भर के मैंने लिया था हरा धनिया। ये दोनों चीज़ों को डाल के आपको मसाले में अच्छी तरीके से भून लेना है, खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है इसे और एक फ्लेवर भी अलग सा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये डालने से। तो जब ये दोनों चीज़ें डाल के भून जाए तो उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है जो हमने मटन अलग कर लिए थे यखनी बना के, तो ये मटन हमें इसमें डाल देना है। मटन डालने के बाद भी इसे भूनना है ताकि जो मसाले हैं ना वो इस मटन में बहुत ही अच्छी तरीके से ना मिक्स हो जाए। जब ये इसे हाई फ्लेम में थोड़ा आपको भून लेना है, काफ़ी
अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी। तो इसे भूनने के बाद इसमें हमने जो स्टॉक बना के रखा था ना यखनी का, वो हमें इसमें ऐड कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी जो हमने स्टॉक बनाया था। आपको प्लेन वाटर यूज नहीं करना है, वरना टेस्ट थोड़ा अलग सा हो जाता है। अगर आप इसका स्टॉक ज्यादा बना लीजिए और फिर इसी में चावल बना के रेडी करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि चावल कच्चा रह जाएगा तो उस जगह पे आप थोड़ा पानी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वरना आप ट्राई करिए कि प्लेन वाटर मत यूज़ करिए। और यहाँ पे फिर मैंने सोक करके रखा था बासमती राइस 1 kg, वो हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे फिर अच्छी तरीके से ना पका लेंगे। पहले तो हम हाई फ्लेम रखेंगे और फिर जब इसमें उबाल आने लगेगा ना तो फिर फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। और ये गर्मा गर्म बन के तैयार है यखनी पुलाव, बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी। तो ये आप ज़रूर से ट्राई करिए। और आज मैंने तो इफ्तार में बनाया था, आप इफ्तार में भी बना सकते हैं और खाने पे भी बना सकते हैं। बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये रेसिपी। पुलाव बनके हो चुका है रेडी, सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग लगाने जा रहे हैं दस्तरखान। और हमारा दस्तरखान बस सजने वाला है, जब मैं सजा लूँगी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं इफ्तार। और जैसे कि रोज़ की तरह जरान बना रहा है बैठ के शरबत, मैं आपको दिखाती हूँ। उनके अंदर दम नहीं है क्या बोलने की? इसका बनाओ कि नींबू पानी है हाँ वो बनाओ। और फ्रूट्स यहाँ पे सब आ चुके हैं, बस अम्मी ने रख लिया है कट करने के लिए। क्या है? वाटरमेलन। सुनो वाटरमेलन ये है। अब सब बोर हो गए हैं खा खा के। और ये बनके तैयार है अखनी पुलाव हम लोगों के इफ्तार में, आज हम लोग ने यही बनाया है। और ये फ्रूट्स सैलेड, और ये भी बना दिया है बच्चों के लिए आलू की भजिया। और ये थोड़ा सैड है, हैप्पी है, हैप्पी सब बैठ गए हम लोग रोजा खोलने के लिए। हम लोग बैठ गए हैं सब रोजा खोलने के लिए और दस्तरखान भी सज गया है हमारा। फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से इफ्तार के बाद। जान को यखनी पुलाव पसंद है ना बेटा? हाँ। खाना मतलब इफ्तार हो गई है हमारी और अब हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद मिलते हैं आपको। तो अभी हो चुका है इफ्तार, नमाज पढ़ लिया और अभी हमने चाय भी पी लिया, हमने नमाज हो गई। हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे तो फिर मैं मिलूंगी कल आप लोगों से फिर एक नई रेसिपी के साथ और अपने एक नए छोटे से ब्लॉग के साथ। वीडियोस को एंड तक देखिएगा।